योग की सहज क्रियाएं और उनके द्वारा अपने जीवन का पूर्ण रूपांतरण हो, इसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम से शुरू करते हैं। बहिरंग योग से अंतरंग योग की यात्रा। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इन पांच को बहिरंग योग का है। धारणा ध्यान समाधि इसको अंतरंग योग का है। तो बहिरंग योग से अंतरंग योग की यात्रा प्राणायाम से शुरू होती है। स्थिर सुखम आसनम, आसन में बैठते हैं स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक। सिद्धासन सुखासन, जिसमें आपको अनुकूलता हो। सिद्धासन कितना सहज, बाएं पैर नीचे दाहिने ऊपर, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में। बाएं पैर का पंजा दाहिने पैर की पिंडली और जंघा के बीच में, दाहिना पैर का पंजा बाएं पैर की पिंडली और जंघा के बीच में। सीधे बैठ गए और जिनसे ऐसे न बैठा जाता हो बस पैर मोड़ के जैसे बैठ सके बैठ जाए, जिनसे नीचे न बैठा जाता हो तो कुर्सी पर बैठ कर भी कर सकते हैं। आसन की परिभाषा की महर्षि पतंजलि ने, सर सुखम आसनम, सरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठो। प्रयत्न को शिथिल कर दो। अनंत समापत्तिभ्यम, उस अनंत ब्रह्म के प्रति पूर्ण समर्पण। प्रयत्न को शिथिल किया, अनंत ब्रह्म के प्रति समर्पण। फिर इससे क्या होगा, जब उस अनंत के साथ एक हकार हो जाते हैं तथो द्वंद्व अनभिघात, फिर कोई द्वंद्व शेष नहीं रह जाता। फिर प्राणायाम जब करते हैं तो इंद्रियों पर नियंत्रण सहज आ जाता है। इंद्रियों का मन में और मन का आत्मा में, आत्मा का परमात्मा में लय हो जाता है। ये क्रम है प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का। आसन से शरीर पर नियंत्रण, फिर प्राणायाम से इंद्रियों का नियंत्रण, और फिर उससे प्रत्याहार की सिद्धि, और फिर धारणा से मन का निग्रह, ध्यान से उस मन की अनंत में आहुति, अनंत में उसका समर्पण, और फिर समाधि की सिद्धि। सब मेरे साथ बोलेंगे, सरसुखम आसनम, प्रयत्न शैथिल्य, अनंत समापत्तिभ्याम, ततो द्वंद्व अनभिघातः, श्वास प्रश्वासयोः गतिविच्छेदः, प्राणायामः, बाह्याभ्यंतर स्तंभवृत्तेः देशकालसंख्याभिः परिदृष्टः दीर्घसूक्ष्मः स्वविषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणां प्रत्याहारः। इंद्रियाणां प्रत्याहारः देशबंधस चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम् तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि ही। त्रयम् एकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिश विनियोगः प्रातिभाद वा सर्वम्। ये योग सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने जो योग की महिमा कही है, उस योग को अब अनुभव करेंगे। जिस योग की महिमा, जिस योग का लाभ बताया महर्षि पतंजलि ने, कि आसन में बैठ करके प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और तीनों के एकत्रीकरण से, त्रयम एकत्र संयम, उससे संयम और उससे प्रज्ञालोक
और उससे व्याधियों की परिसमाप्ति और समाधि की प्राप्ति, व्याधि से समाधि तक की जो यात्रा है, व्याधि मुक्ति से समाधि की युक्ति तक की ये साधना, लंबे गहरे श्वासों के साथ सदीर्घ देशकाल संख्या भी परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म, ऐसे लंबा श्वास लेना, लंबा छोड़ना, लय के साथ करना, प्रभु को विसार किसकी आराधना करो, पाकल्पतरु, ये कल्पतरु है योग, जो चाहेगा वो सब कुछ पाएगा, अपने भीतर से बाहर कुछ भी तो नहीं, और बाहर वो वही सब कुछ है जो तुम्हारे भीतर है। इसलिए आओ अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर का तो बहुत कुछ देखा, तो भीतर रूहानी दुनिया में प्रवेश पाओ, भीतर का दर्शन, आत्मदर्शन। आज्ञा चक्र सहस्रार, हृदय चक्र मणिपुर चक्र, जिस चक्र में अनुकूलता हो वहां पर मन को टिकाओ, तो धारणा ध्यान समाधि संयम पूर्वक प्राणायाम करो, रोग विशेष है तो उस अंग विशेष पर मन को केंद्रित करो, हृदय रोग है तो हार्ट में मन को नियंत्रित करो, मन की एकाग्रता वहीं करो, डायबिटीज है तो पेनक्रियाज में मन को केंद्रित करो, और बहुत सारे रोग एक साथ समाये हुए हैं तो नाभि चक्र में मन को केंद्रित करो, नाभि चक्र काय व्यूह ज्ञानम, घुटने में दर्द है तो घुटने में मन को केंद्रित करो, किडनी की समस्या है, धातु रोग है तो भी मणिपुर चक्र में मन को केंद्रित करो, अथवा मूलाधार स्वाधिष्ठान में जहां आपको अनुकूलता लगे, यथाभिमत ध्यानाद्व, महर्षि पतंजलि इसमें कोई आग्रह नहीं करते, जो अंग रोग से पीड़ित है वहां पर मन को पूरी तरह से एकाग्र करके करते हैं, मन की एकाग्रता का नाम ही धारणा, और एकाग्र होकर के उस अनंत के प्रति जब मन समर्पित हो गया तो वही तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, और उसी में पूरी तरह से समाहित हो गया तो यही समाधि, योग समाधि, योग चित्त वृत्ति निरोध। भिन्न भिन्न प्रकार से योग के सत्य को महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद साधन पाद विभूति और कैवल्य पाद में कहा है, योग की जिस सत्य की महिमा महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कही, उस महिमा को आप खुद आत्मसात करेंगे, पूरे भाव से करना, हर श्वास के साथ ओंकार का ध्यान, प्राण और प्रणव की साधना आराधना एक साथ, प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, विसार किसकी आराधना करूं मैं, पाकल्पतरु किसी से क्या याचना करूं मैं, पाकल्पतरु किसी से क्या याचना करूं मैं, प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, पाकल्पतरु से याचना करूं मैं, प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, thank you।
एक श्वास की आहुति अर्पित कर रहे हैं पुरुषो वाव यज्ञ उस अनंत के लिए, प्रभु के लिए, हर श्वास के साथ, प्राण के साथ, प्राणों की आराधना, भीतर से पूर्ण शांत होकर के बाहर से क्रियाशीलता चल रही है और अनंत में अपने कर्मों की आहुति। और योग कर्म तो सबसे ऊंचा कर्म है, ये तो सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है, सबसे सात्विक पुरुषार्थ है। ऐसे भावपूर्ण हृदय से भस्त्री का प्राणायाम सबके प्रभु पिता जब सबके परमो पिता जब घट घट में रमो रहे हैं सबके परमो पिता जब घट घट में रमो रहे हैं लघु जान क्यों किसी की अब हेल ना जान क्यों किसी की अवहेलना करूं मैं जब सब में मेरे ही परम पिता का वास है। सब मूर्त अमूर्त सब उसी के रूप है, सब ब्रह्म स्वरूप ही है। सब रूपों में ब्रह्म रूप का दर्शन, सब सुखों में ब्रह्म सुख की अनुभूति, सब संबंधों में ब्रह्म संबंध की अनुभूति, यही है सहज ब्रह्मचर्य, यही है सहज ब्रह्म की उपासना, यही है सहज योग। ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट भावपूर्ण हृदय से करना, कपाल भाती भी करो तो ऐसे ही भावपूर्ण हृदय से